नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमाकृत सहकारी सोसाइटी के, बीमाकृत सहकारी बैंक के जो भी परिसीमा का आदेश या सम्मेलन या पुनर्निर्माण की मंजूरी कौन देता है? बीमाकृत सहकारी बैंक है उसके परिसमापन का, उसका समाप्त करना है या फिर उसको सम्मिलित करना है, दो सोसाइटियों मिलकर एक बनाना है समामेलन का, या पुनर्निर्माण करना है, उसको वापस से बिल्ड करना है, तो उसका कौन मंजूरी देता है? आरबी। वापिस से बता दूं, अभी अपनों ने पढ़ा था परिसीमा अधिनियम कौन सा है, एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी चार पांच पहले, तो परिसीमा अधिनियम 1963 है, तो इसमें भी एक परिसीमा वर्ड आया है, परिसमापन कह दीजिए। प्रत्यय ग्रांटी निगम अधिनियम कब बना? प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम कब बना दोस्तों? 1961 में बना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई बीमाकृत सहकारी बैंकों को कोई भी मंजूरी देता है? आरबीआई जो भी बीमाकृत सहकारी बैंक है उनको कोई भी मंजूरी देता है, तो उसकी मंजूरी प्राप्त करता है, कोई भी बीमाकृत कोई भी सोसाइटी है, बैंक है, उनको मंजूरी दी है, तो उसकी मंजूरी कैसे मिलेगी? लिखित में मिलेगी दोस्तों। क्या आरबीआई सहकारी बैंकों के हित में प्रबंध के लिए किसकी नियुक्ति करता है? सहकारी बैंक है उसके प्रबंध मैनेजमेंट के लिए वो प्रशासक की नियुक्ति करता है दोस्तों, ठीक है, विवादों के निपटारे के लिए प्रशासक की, और उसका कुछ भी मतलब जो भी हितों के प्रबंध के लिए भी वो प्रशासक की नियुक्ति करता है। आरबीआई द्वारा लिखित मंजूरी देने पर, आरबीआई ने लिखित मंजूरी दे दी थी, लिखित मंजूरी देने पर सहकारी बैंक पर वाद दायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते दोस्तों। क्या सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का कौन सी धारा में उल्लेख है? अब जो क्या कहते हैं अपने सहकारी सोसाइटी है उनके परिसमापन जो भी समाप्त करनी है उसका उल्लेख किस में है, धारा कौन सी है वो पूछा जाएगा। तो सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का कौन सी धारा में उल्लेख था पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, धारा 61 में, ठीक है। विवादों के मध्यस्थ कौन सी धारा है? अब विवादों का जो मध्यस्थ है, जो कोई भी मीडिएटर आएगा, उसका विवादों के मध्यस्थ कौन सी धारा में है? वो धारा 60 में है, धारा 60 में वो आएगा। परिसमापन कौन सी धारा में है? धारा 61 में है, ठीक है। विवादों का जो मध्यस्थ है, जो भी मीडिएटर आएगा, वो कौन सी धारा में आएगा? धारा 60 के अंदर आएगा। कौन सी धारा में सहकारी सोसाइटी के समापक की नियुक्ति की जाती है दोस्तों? कौन सी धारा में सहकारी सोसाइटी के समापक की नियुक्ति करेंगे? कौन सी धारा है जिसके अंदर सहकारी सोसाइटी का कोई भी समापक है उसकी नियुक्ति करेंगे? धारा 63 के अंदर। समापक की शक्ति किस धारा में आएगी? 63 में तो अपने नियुक्त करेंगे, 64 में उसकी शक्तियाँ आ जाएगी। जो समापक की नियुक्ति की जाती है तो वो कौन से में करेंगे दोस्तों? सहकारी सोसाइटी का कोई भी समापक है जो उसको समाप्त करने के लिए या जो भी कार्रवाई करनी है उसके लिए काम करेगा, तो वो 63 में है, और उसको शक्ति देंगे अपने 64 में। परिसमापन की कार्रवाई को रजिस्ट्रार कितने वर्षों में कर सकता है? 2 वर्षों में। परिसमाप्त करना है, समाप्त करना है, तो उसकी कार्रवाई वो 2 वर्षों में करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आज के अभी तक अपनों ने 36 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने भी नहीं पढ़ा ये कोऑपरेटिव एक्ट 2001, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा तो वो तो कम से कम पढ़ लें, पेपर में 10 नंबर का आने वाला है। और दोस्तों मैं आपको MCQ नहीं दोस्तों वन लाइनर करवा रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से जल्दी आपके सामने बोर्ड पर आपके सामने आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं और आंसर आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया जा रहा दोस्तों आपसे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और शेयर ज़रूर करना बनता ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिशेष क्या होती है? अधिशेष अस्थियाँ जो बची हुई एसेट्स है का निपटारा कौन सी धारा में किया जाएगा? अब जो समापन हो चुका है, समापन की नियुक्ति 63 में आई, शक्ति 64 में दे दी, अब जो एसेट बच गई उसका निपटारा कौन से में करेंगे दोस्तों? धारा 66 में करेंगे दोस्तों। अल्पकालीन और मध्यकालीन के लिए अलग अलग उधार देते हैं अपने, आपको ये पता है। अल्पकालीन और मध्यकालीन मतलब एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, एक मतलब मीडियम टर्म के लिए लोन दिए जाते हैं, अलग अलग उधार देने वाला बैंक कौन सा है, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए कोई और बैंक देगा, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए। कृषि क्षेत्र के लिए कौन कौन बैंक से उधार है, कौन कौन से ऐसे बैंक है जो कृषि क्षेत्र के लिए उधार दे देंगे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए? वो भूमि विकास बैंक है जो अल्पकालीन के लिए, ठीक है, लोन देगा। जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए जो लोन है वो सहकारी बैंक देगा आपको, सहकारी बैंक है वो आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन देगा, और जो
लॉन्ग टर्म लोन आता है, जो भी आपके लॉन्ग टर्म लोन आ जाते हैं वो भूमि विकास बैंक देते हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूमि विकास बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है। नीचे चार ऑप्शन आएंगे, पहला शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपके पास आंसर आना चाहिए लॉन्ग टर्म या दीर्घकालीन, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बता दिया दीर्घकालीन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लॉन्ग टर्म। अब जो कोई भी मशीन है जो लंबे टाइम तक, क्वेश्चन है, अगर किसी मशीन ने को क्रय करने के लिए, कोई भी मशीन है जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में काम आने वाली है, क्रय करने के लिए कौन सा बैंक उधार या ऋण उपलब्ध करवाएगा, तो वो है भूमि विकास बैंक। तो दोस्तों आज के अपने उन्हें 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।